बाबा अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो आज शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं पहला जत्था जो है वो यहाँ से आज पहलगाम नुनवन बेस कैंप से फ्लैग ऑफ किया गया। उनसे ही सीधे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? संजीव सिंह सर, हम अयोध्या से आए हैं और यहाँ की व्यवस्था की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है और इंडियन आर्मी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हम लोग अभिभूत हो गए हैं, अद्भुत अकल्पनीय अतुलनीय व्यवस्था है। जितनी भी देन है इंडियन आर्मी की देन है, इतनी अच्छी व्यवस्था की है। क्या अगर मोदी ना होते तो ये कभी भी संभव नहीं था। हिंदू को इतना अच्छा इतना सम्मान कभी नहीं मिलता। जय जय श्री राम। भोले, आप पहली बार जा रहे हैं क्या? नहीं, दूसरी बार जा रहा हूँ। अब भोले बुलाते हैं तभी हम तब आते हैं। अभी भक्त जिसको बुलाते हैं वही आता है। हर हर महादेव। आपका क्या नाम है मैडम? आपका क्या नाम है? विजय मराठे। पहली बार आए हैं बाबा पर? पहली बाबा आए तो क्या कहेंगे? सब बढ़िया है, सब व्यवस्था भी अच्छी है। अच्छा। सब इंडिया वालों को धन्यवाद। भी नहीं था हमको ऐसी व्यवस्था मिलेगी, ऐसी व्यवस्था मिलेगी हमको। जागो जगह जगह पर हमारे लिए सुरक्षित सैनिक थे, इसलिए बहुत अच्छा प्रबंध किया है। तो साफ तौर पर ये देख सकते हैं पहला जो बैच है वो फ्लैग ऑफ किया गया आज यहाँ पहलगाम नुनवन बेस कैंप से। और साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह लगातार अब लोग जो है बेस कैंप से बाहर निकलते हुए आ रहे हैं। ये हम आपको सटीक तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ आज जो पहला बैच है वो फ्लैग ऑफ किया गया। ये पहलगाम बेस कैंप की तस्वीरें हैं और लगातार अंदर से अब श्रद्धालु जो है वो अंदर आ रहे हैं और यहाँ से वो निकलते हुए अब गाड़ी में बैठकर आगे फिर उतरेंगे और उसके बाद बाबा बर्फानी की जो है पद यात्रा शुरू करेंगे। इस तरफ भी कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है मैडम आपका? पूर्णिमा। पूर्णिमा वर्मा। तो क्या कहें, कहाँ से हैं? हम लखनऊ से हैं। तो कैसी व्यवस्था रही और कैसी फीलिंग है अभी आप बाबा बर्फानी? बहुत उत्साहित हैं, व्यवस्था है टॉप क्लास की है, कोई भी इफ़ बट नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, हमेशा बाबा अमरनाथ के यात्रा में रहती है, इस बार और अच्छी है क्योंकि सुरक्षा पर्पज से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। कहीं भी कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं आ रही है ना आगे आएगी। आप आगे जाके पद यात्रा करेंगी? जी हाँ बिल्कुल, पैदल ही आते हैं, हर साल आते हैं, पैदल ही यात्रा करते हैं, बाबा का निशान चढ़ाते हैं। हर हर महादेव। साफ तौर पर ये तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं ये तमाम महिलाएं हैं जो कि आज जो है बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकलेंगे। मैडम क्या नाम है? मेरा नाम भारती वैशंपायन है। तो क्या उत्साह है और आप कहाँ से आए? जोश, मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से आई हूँ। बहुत उत्साह है हमारे अंदर और अभी हम है ना हनुमान बेस कैंप से जा रहे हैं चंदनवाड़ी और यात्रा शुरू करेंगे। ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा, बहुत अच्छी यात्रा करेंगे, वापस आएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, बम बम बोले। तो ये उत्साह आप देख सकते हैं श्रद्धालु में किस तरह का है। ये नुनवन पहलगाम बेस कैंप से यहाँ आप निकल रहे हैं और बाबा बर्फानी की दर्शन के लिए निकलेंगे। कई हज़ार फीट ऊंचाई पर बाबा बर्फानी की जो वहाँ पर जो दर्शन है वो की जाती है और पूरी जो व्यवस्था है सुरक्षा की या यहाँ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से करी जानी थी वो चाक चौबंद की गई है। करीबन 4,600 से ज़्यादा श्रद्धालु जो है वो कल जम्मू से कश्मीर घाटी की ओर रवाना हुए। कुछ जो पहला जत्थे का हिस्सा है वो बालतल जो सुनबर्ग का इलाका है वहाँ से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे और यहाँ से भी जो है ये नुनवन बेस कैंप से आप देख सकते हैं श्रद्धालु किस तरह लगातार बाहर आ रहे हैं और सुरक्षा की भी चाक चौबंद तैयारियां की गई हैं। और ये बाबा बर्फानी यानी श्री अमरनाथ यात्रा 2024 को लेकर जो है तमाम तैयारियां हैं और आप देख सकते हैं बम बम बोले बोलते हुए आगे तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहां बेस कैंप से निकलते हुए और लगातार अमरनाथ यात्रा को लेकर इस साल उम्मीदें हैं कि बहुत बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो जो है आज इसका यहाँ से कश्मीर घाटी से इस साल दर्शन करेंगे। और इस तरफ अभी तस्वीरें दिखाएं मेरे कैमरा पर्सन तो आप देख सकते हैं लगातार बम बम बोले बोलते हुए जो है काफ़ी उत्साह में श्रद्धालु है। देश के तमाम हिस्सों से श्रद्धालु जो है वो आ पहुँचे हैं और वो बाबा बर्फानी की दर्शन करेंगे और लगातार हर साल इसी तरह का उत्साह देखने को मिला है और लगातार हर साल जो है इन श्रद्धालुओं की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है। यहाँ नुनवन पहलगाम बेस कैंप में फ्लैग ऑफ किया गया, उधर बालतल में भी जिला प्रशासन की तरफ से फ्लैग ऑफ किया गया पहले जत्थे को। कैमरा पर्सन मोहम्मद शफी के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, पहलगाम। हमारा सूरज बाबा बोलते हैं हमारे को।
तो आप बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकल रहे हैं? हाँ, दर्शन के लिए निकल रहे हैं। तो ये थोड़ा दिखाइए और ये कहिए कि कहाँ से हैं और आप इस साल जा रहे हैं और कौन कौन आपके साथ? नहीं, ऐसे तो हम हैं और हमारी माई है और महाकाल बेटे में हैं, बस हम ये बस यही चलते हैं साथ में, हम किसी का साथ क्या पकड़ें। किस तरह का व्यवस्था देखने को मिला? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे पूरे भारतवर्ष को आज के मौके पर? अरे भारत, बस हम तो दिल से वही बोलना चाहते हैं कि जो तब भगवान के जो दिल में बसा के चलता है उसको कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं होगी। लगातार बड़ी उत्साह में तमाम श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकल रहे हैं और बालतल से भी एक और बैच को जो है फ्लैग ऑफ किया गया, वहां से भी यात्रा आज बाकायदा अमरनाथ जी की शुरू हो चुकी है। और आप देख सकते हैं ये तमाम महिलाएं जो हैं अब बेस कैंप से बाहर निकलती हुई बाहर आ रहे हैं और ये देख सकते हैं कि किस तरह उत्साह है इनमें। और 4600 से जायद जो यात्री हैं वो कल कश्मीर घाटी पहुंचे थे और आज बालतल और पहलगाम नुनवन बेस कैंप से लगातार यात्रा बाकायदा शुरू हो चुकी है और बाबा बर्फानी की दर्शन जो है वो आज श्रद्धालु जो है करेंगे और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा अगले महीने तक। और तमाम सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे, चाहे बेस कैंप की बात हो, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हो या पूरा जो ये ट्रैक है। इस साल जो है खासतौर पर जिस तरह क्लाउड बर्स की स्थिति इससे पहले देखने को मिली उसको भी मद्देनजर रखते हुए जो है तमाम तैयारियां की गई हैं ताकि वक्त पर अगर किसी तरह की ज़रूरत पड़े तो उसका जो है तैयारियों से जायज़ा लिया जाए। और साथ ही साथ फुल पूर एक्शन भी तैयार किया गया है क्योंकि ख़ासतौर पर जो मौसम की भी चुनौतियां रहती हैं वो लगातार इस पूरे हाई ऑल्टीट्यूड इलाके में देखने को मिलती है, उसके चलते जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की तरफ से मॉक ड्रिल्स भी की गई, यानी कि वो तैयारियों का जायज़ा लिया गया जो कि अमरनाथ यात्रा के लिए ज़रूरत पड़ती हैं। और वहीं सुरक्षा के भी चाक चौबंद तैयारियां हैं। इस तरफ अगर मेरे कैमरा पर्सन तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं बेस कैंप की बाहर की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, ITBP के जवान जो है वो लगातार इस बेस कैंप के बाहर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं ये जो तमाम गाड़ियाँ हैं यहाँ से श्रद्धालुओं को जो है लेकर आगे की ओर बढ़ेंगी और उसके बाद वहां से चंदनवाड़ी से बाय फुट जो है वो ये श्रद्धालु यात्रा शुरू करेंगे। तो इसी तरह की तस्वीरें बालतल से लेकर पहलगाम के नुनवन बेस कैंप तक देखने को मिल रही है। क्विक एक्शन टीम्स को रखा गया है, साथ ही साथ बेस कैंप से लेकर गुफा तक जो है मेडिकल की सुविधाएँ रखी गई हैं और काफ़ी इस साल तैयारियाँ जो है वो बढ़ चढ़ कर की गई। इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, पहलगाम। ये कुछ और श्रद्धालु मेरे साथ मौजूद है बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, आप तो किस तरह की भावना है, क्या कहना चाहेंगे? भावना की तो बात करें तो पिछले एक साल से इंतजार कर रहे थे, पिछले साल लेट मेडिकल होने की वजह से रुक गए थे, इस साल जब से मेडिकल चालू हुआ उसी दिन रजिस्ट्रेशन करवा दिया था और पिछले 24 घंटे से हम यहाँ आ चुके और इंतजार की घड़ी अब ख़त्म हो चुकी है और अब जाने के लिए चंदनवाड़ी जाने के लिए निकल चुके हैं और यहाँ पर व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। आपको पहले जत्थे में जाने का मौका मिला, उसकी भी खुशी तो होगी? पिछले साल से पहले जत्थे में जाने की खुशी तो थी लेकिन पिछले साल मौका चूक गए थे, बाबा की कृपा नहीं हुई थी, इस बार बाबा की कृपा हो गई। हम गुजरात से आए, राजकोट से, तो हम चारों लोग आए एक साथ, बाबा का कृपा हो गया तो इस बार पहली टुक में हमको मौका मिल गया है और अभी निकल चुके हैं। 4 बजे से लाइन में खड़े रहे थे, आज मौका मिल ही गया है तो अब निकले हैं, बाबा की कृपा हो गई है अब। और इधर का व्यवस्था पुलिस का, आर्मी का इतना बढ़िया है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, इतना बढ़िया व्यवस्था है, खाने का सब इंतजाम ऐसा अच्छा किया हुआ है। आप क्या कहेंगे सर? हर हर महादेव। चलिए, थैंक यू। है बाबा एक सहारा है, मेरा नाम गायत्री तांबोली है, आज 10 लोग मेरे साथ, हम महाराष्ट्र से आए हैं, तलोदा से। अच्छा, तो कैसी भावना है, आप पहले जत्थे में जा रहे हैं, बाबा बर्फानी की दर्शन होगी? बहुत अच्छी भावना है, हमने सोचा भी नहीं था हम बाबा बर्फानी का दर्शन लेंगे, हमारी मनोकामना पूरी हो, अच्छे से दर्शन हो, यही बस इच्छा है। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस अच्छे से दर्शन हो जाए, यही है। हम 350 लोग है साथ में, सब अच्छे से दर्शन हो, यही बाबा से मनोकामना है। कैसा लग रहा है मैडम आपको? बहुत अच्छा लग रहा है।
तो क्या कहेंगे किस तरह की व्यवस्था रही? और व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। आप कहाँ से? गुजरात के? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हमारा 300 लोगों का पूरा ग्रुप है। ग्रुप है 300। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा हाँ, और अभी दर्शन करके ही जाना है पूरा। पहली बार आए आप? हाँ पहली बार आए। हमारे ग्रुप में सब 350 लोग हैं। अच्छा। हम महाराष्ट्र नंदुरबार जिले से तोलदा से आए सब। तो क्या कहेंगे भारत वर्ष को आज अमरनाथ जी की यात्रा शुरू? कहने के लिए कुछ शब्द ही बाकी नहीं है। इतना उत्साह, इतनी खुशी है कि बस अब सिर्फ बाबा के पास ही जाना है।